I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. अब आप बिल्कुल फिक्र ना करें भाभी जी. जायदाद तो फिर काजल के नाम चली गई है. अब वो लाख सर पटक ले, एक कौड़ी उसके हाथ नहीं जाने दूंगा. और अगर उसने कोई चाल चलने की कोशिश की तो कानून जंजीर बनके उसका गला घोट देगा. ये मेरा वादा है आपसे. लेकिन अगर उसके कानों को हमारे यहाँ होने की भनक पड़ गई तो? अरे भाभी जी, इस बात की आप बिल्कुल चिंता न करें. आओ बेटी, यहाँ रख दो. अरे बस बस, जीती रहो. राजा तेरी जान. क्या हुआ राजा? राजा का बच गया बाजा. क्या हुआ है यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है. आखिर कौन सी कयामत आ गई है? जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो अकेला रहने को जी करता है, और जब अकेला होता तो तुम्हारी तरफ भागता आता हूँ मैं. राजा, तू तो ऐसा नहीं था यार मेरे. वो राजा किधर गया? अरे मर गया वो राजा. तो आया हूँ मैं उसे खुद इन हाथों से अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली है मैंने. जानते हो, हर वक्त उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने उभरती है, और मैं तस्वीर से हर वक्त कहता हूँ कि जा, चली जा यहाँ से, पीछा मत कर मेरा. लेकिन हर बार उसका चेहरा ऐसे उभरता है मेरे सामने जैसे बादलों में से चांद निकल आया. अरे यार, तुम लोग तो मेरे दोस्त हो ना, तुम बताओ मैं क्या करूं. तुझे इश्क हो गया है, अब तो अपनी जिंदगी को खुदा हाफिज कर डाल. इश्क हो गया है मुझे? मोहब्बत हो गई है मुझे? राजा को मोहब्बत हो गई है? मोहब्बत हो गई है मुझे. नहीं राजा, नहीं. अगर इतनी ही बेचैनी है, उठा लेंगे उसे. तू फिक्र मत कर मेरे यार, कल होली है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तू फिक्र मत कर. नहीं, मैं बेबस हो गया हूँ. छोड़ हमारा रास्ता. मुझे तुमसे प्यार हो गया है. लेकिन हम आपसे प्यार नहीं करते. मगर किसी को प्यार करने से तो रोक नहीं सकते. क्या करूँ बोलो, क्या करूँ कि तुम्हें यकीन आ जाए? जान दे दो. हमने ऐसा तो नहीं कहा. बख्शने का शुक्रिया. I love you. सुनो मेरी बात सुनो. जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसके लिए इससे पवित्र स्थान और कोई नहीं हो सकता. मैं देवी देवताओं को हाजिर नजर मानकर कहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं. छोड़ो मेरा हाथ. मैं कहती हूं छोड़ो मेरा हाथ. छोड़ो. चाहते हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? आखिर क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? सुन सकोगे? हिम्मत है? मेरा ख्याल छोड़ दो. मेरा एक अतीत है, एक माजी है. किसी की विधवा हूं मैं. अरे
काजल, क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ क्या बेटे? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? मैं जीना नहीं चाहती माँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। मुझे मौत क्यों नहीं आती? ना बेटी, ना मेरी बच्ची, मुझे मौत ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल, शांत हो जा, शांत हो जा। और हम चाहते हैं कि स्टील में भी सहाय इंडस्ट्रीज नंबर वन बन जाए। अंदर इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, सहाय साहब बहुत बिजी हैं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते राजू बाबा? यहां से पेट्रोल, राजू बाबा अरे सुनो तो। यस बेटा। डैड मुझे आपसे एक जरूरी काम है। प्लीज एक्सक्यूज अस जेंटलमैन, कम ऑन। फरमाइए अपना जरूरी काम। मैं शादी करना चाहता हूँ। मालूम है बरखुरदार की शादी करने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है। जानता हूँ डैड, लड़की मैंने देखी है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है डैड। छोटी सी उम्र में बेचारी विधवा हो गई। तुम होश में तो हो? तुम जानते तुम क्या कह रहे हो? कल ये अखबारों की हेडलाइन होगी कि रामा खान सहाय के खानदान की बहू एक विधवा है। यू आर मैड। यस आई एम मैड, लेकिन बहुत चाहता हूँ उसे, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। अच्छा अच्छा, तो ये वही लड़की है जिसकी वजह से तुम हवालात गए थे? लेकिन डैड। ओह कम ऑन राजा, एक आवारा और बदनाम लड़की के साथ शादी करके हमारे खानदान के नाम को दागदार मत करो। एक्सक्यूज मी डैड, आप जानते हैं आप अपने होने वाली बहू के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरी भी सुन लो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। तो फिर आप भी सुन लीजिए, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी लड़की से, और इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती, आप भी नहीं। सुना, इससे पहले कि चिंगारी आग बन जाए उस लड़की को शहर बदर कर दो। नहीं जानता, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है इस देश के, किंग मेकर। अरे लाखों रुपया चंदा देते हैं इलेक्शंस में और सूद समेत वसूल भी करते हैं, और आज
ये बहुत बड़ा कारनामा करके आए हैं। एक बेचारी मजलूम औरत और उसकी विधवा बहू पर इनके गुंडों ने हमला किया, और कसूर, लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका बेटा उस लड़की से शादी करना चाहता है। राजा, आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। खूब जगह चुनी है, सबके सामने मुझे रुसवा कर रहे हो। ये बात घर पे भी हो सकती थी। घर? घर का मतलब समझते हैं आप? अरे आप तो लोगों के बसे हुए घर उजाड़ते हैं। राजा ये मत भूलो, तुम अपने बाप की बेइज्जती कर रहे हो। अगर आप बाप का मतलब समझते ना तो अपने बेटे की खुशियां ना उजाड़ते। तुम हद से गुजर रहे हो राजा, तुम ये बेजा हरकत कर सकते हो? आखिर पानी की बुलबुले की उम्र क्या होती है? तुम्हारा ये बाप रामाकांत सहाय जिंदगियां बनाता है और जिंदगियां उजाड़ता है। अरे तो आज से मैं इस बाप बेटे के रिश्ते को ही खत्म करता हूँ। ये सब गवाह है। अरे ठोकर मारता हूँ ठोकर तुम्हारे इस नाम दौलत और शरत को। और एक बात और याद रखना कि आज के बाद अगर किसी ने उस घर की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, रामाकांत सहाय। मैं सब कुछ छोड़ आया हूं मां, सब कुछ छोड़ आया हूं मैं, वो दुनिया ही छोड़ आया हूं मैं, वो नाम, वो दौलत, वो जायदाद, वो पाप, सब कुछ छोड़कर तेरे पास आ गया हूं मां। मैं तुझसे काजल की भीख मांग रहा हूं। लेकिन बेटा जानते हो काजल तो? जानता हूं माँ जी, लेकिन इसमें काजल का क्या कसूर है कि वो एक विधवा है? अरे अगर दोष देना है ना माँ जी तो उस भगवान को दो। ये सब जानते हुए भी? माँ जी, पर बेटा वो मुझे काजल दे दे माँ, मैं जमाने भर की सारी खुशियां समेट कर उसकी जिंदगी आबाद करना चाहता हूं बस। मैंने प्यार किया है माँ, प्यार किया है मैंने, मैं काजल के बगैर रह नहीं सकता माँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मुझे काजल दे दे माँ। मैं तुझसे काजल की भीख मांगने आया हूं, काजल तुझे दे दे माँ। मैं अपनी जिंदगी काट चुकी हूं, अपने हिस्से के दुख सह चुकी हूं, अब और कितने दिनों तक जिंदा रहूंगी? कौन मां अपनी बहू से कहेगी कि उसके बेटे की यादों को भुला दे? हां काजल, मैं कह रही हूं तुझे पहाड़ जैसी जिंदगी काटनी है। तूने देख लिया ना, इस छोटी सी जिंदगी में देख लिया ना, या तपती दोपहर में भेड़िए घूमते हैं, हर मर्द मौके की तलाश में है, धार लगाए बैठा है कि कहीं कोई औरत अकेली मिल जाए उसे। राजा यहां फरिश्ते की तरह आया है बेटी, उसने इस घर में बेटे की तरह कदम रखा है और वो तुझसे प्यार करता है। फॉर एक्सक्लूसिव क्लासिक मूवीज डाउनलोड शिमारू मी ऐप नाउ।